ओके सो हेलो टू एवरीवन, सबका स्वागत है आज के इस सेशन के लिए। यस प्रणवी, हेलो बच्चा, कैसे हैं आप? ऑलराइट, चलो। सो आज का जो सेशन है, बेसिकली जो चैप्टर हमें देखना है, उसका पहला पार्ट हम लोग आज करेंगे, ठीक है? ये एक बड़ा चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो एक बड़ा टॉपिक है। तो आज हम लोग पहला पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो क्लास किस तरीके से होंगे? क्लास होंगे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और बीच में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको चैट बॉक्स में मुझे उसके आंसर्स बताने हैं। तो एक इंटरैक्टिव सा माहौल होगा हम लोग के बीच में और आपको चीजें समझ में भी आएगा। हेलो हेलो बच्चे, हेलो अर्चना, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, कैसे हैं आप? ठीक है, तो बेसिक ड्रिल समझ में आ गया। तो अभी देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरीके के बिल्डिंग्स जो बने होते हैं ब्रिक्स से, उस तरीके की हमारी जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, वो बने होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स से, और उसी यूनिट्स को हम बोलते हैं, उसी इकाई को हम लोग बोलते हैं सेल, कोशिका। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे अंदर हो रही है ना, वो सारे एक्टिविटीज किसकी देन है? वो सारे एक्टिविटीज हमारे सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही हैं, उनका देन है। तो इसलिए वेलकम टू द टॉपिक, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू अन अकेडमी। चलिए, हेलो अंजना, हेलो बच्चे, हाउ आर यू? हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम। तो एज अ एजुकेटर आप मुझे जानते हो, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं आपका एजुकेटर अन अकेडमी से मनीष, और मेरा कोड जो है, ठीक है, वो आपको नीचे दिख रहा होगा। मेरा रेफरल कोड है राज लाइव 10। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरी एजुकेशन हुई है, मैं वहां पढ़ाता भी हूं और आप लोगों को भी पढ़ाता हूं, और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आना, इंटरेक्ट करना। ये एक तरीके से आप कह लो कि मेरी रुचि है, तभी आप लोगों को पढ़ा पाता हूं। आई एम वेरी फाइन। रत्ना ने क्वेश्चन पूछा है, सर एसेंट टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस होगा? आई हैव गॉट फिफ्थ रैंक बट आई हैजंट येट गॉट सब्स। बच्चे जल्दी ही रत्न, जल्दी ही रत्न आपको मिल जाएगा बच्चे, ठीक है? अगर हमने बोला है, ये आपसे वादा किया है ना, तो वादा जल्दी पूरा करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो करने होते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है बच्चे, आ जाएगा। चलिए सो शुरू करते हैं अनअकैडमी का बेसिक ड्रिल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आपको कि अनअकैडमी जो आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर लेके आया है ना, जिसमें आपको लर्निंग एक्टिविटीज के साथ साथ बहुत सारे फन एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है। ओके रत्ना, वेरी गुड। बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ना जल्दी करना होगा क्योंकि ये अब ज्यादा दिन तक आपको ये बंडल नहीं मिल पाएगा बच्चा। ये 15 नवंबर तक ही है अब, यानी सीबीएसई के साथ इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अगर ये बंडल चाहिए तो आपको 15 नवंबर तक ही इनरोल करना पड़ेगा, तभी जाके आप ओरिगेमी, डूडलिंग, मैथमैजिक, डिबिटिंग, पाइथन, ये सब चीजों की ना एक्स्ट्रा जानकारी आप आराम से ले पाओगे। तो सीबीएसई के साथ ही आएगा, लेकिन 15 तक आपको इनरोल करना पड़ेगा, सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोई भी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको साथ में मिलेगा। अंजना, देयर विल बी क्वेश्चंस बच्चा, देयर विल बी क्वेश्चंस विद द टॉपिक, ठीक है? आप चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे उनके। तो कॉन्सेप्ट्स है, देखो मेंटी के लिए ना पूरा एक अलग सेशन लेके आएंगे, ठीक है? मेंटी का ना सेशन एक पूरा अलग होगा जिसमें सिर्फ मेंटी के क्वेश्चंस होंगे। अभी क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स में पहले कुछ चैप्टर्स आपको बिल्ड कर दूं, उसके बाद मेंटी के सेशंस मैं करता रहूंगा आपके साथ, क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करते रहेंगे उस सेशन में। ऑलराइट, आई होप सो कि नेक्स्ट सेशन से मैं आपको मेंटी के सेशंस कुछ डाल दूंगा। ऑलराइट, चलिए। कुछ बैचेस जो है 8 क्लास के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए, ये ऑनगोइंग है अक्टूबर से,
लेकिन सर अक्टूबर से ऑन गोइंग है, कोई नए बैचेस भी आए हैं? यस बच्चे, आपके लिए नए बैचेस भी आ गए हैं, यानी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 नवंबर से आपके लिए रिवीजन बैच आ चुका है। सो इनरोल करें, जितनी जल्दी से जल्दी आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं। यस औरा, ओके बच्चा, वेरी वेलकम, स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। और साथ में बहुत बच्चे बोलते थे कि सर हिंदी और इंग्लिश की ना क्लासेस, लिटरेचर की क्लासेस नहीं होती, यानी आपको एक स्कूल टाइप इन्वायरमेंट देने के लिए अन अकेडमी ने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर की भी सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस लेके आए हैं ये, यानी कि आपको एडुकेटर्स हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाएंगे। और ये शुरू हुआ है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी इनरोल करें। क्रिएटिव बंडल मिलेगा साथ में, और बहुत सारी दूसरी दूसरी सब्जेक्ट्स की भी जानकारियां आपको मिलेंगी, यानी पूरा कंप्लीट पैकेज किसी को भी किसी भी टाइम। ऑलराइट, एक और चीज आपको बतानी है, देखो दो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी में, जब आओगे सब्सक्रिप्शन आप लेने के लिए आओगे तो आपके को दो सब्सक्रिप्शन का एक चॉइस मिलेगा, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है और एक आइकॉनिक है। आइकॉनिक के लिए कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर हमें कोई पर्सनल मेंटर मिल सकते हैं क्या, जिससे हम 1-to-1 कनेक्ट होके पढ़े, क्या हमारे सॉल्यूशंस जो होंगे वो हमें डाउट सॉल्व करके बताए जाएंगे, क्या हमारे पेरेंट कनेक्ट कर सकते हैं क्या। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको ये सारी सुविधाएं चाहिए, उनके लिए प्लस के जो बेनिफिट्स हैं उनके अलावा, बिसाइड दैट देयर आर अदर बेनिफिट्स जो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन उसके लिए बच्चा आपको प्लस नहीं, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यानी आपके पास दो सब्सक्रिप्शन का चॉइस है, प्लस का भी चॉइस है, आइकॉनिक का, लेकिन अगर आप चाहते हो, है ना। यस बच्चा, यस आत्मा, करते हैं, जल्दी करते हैं बच्चा, तुरंत करते हैं क्लास। आप कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा तो जरूरी है देना, नहीं तो बताओ आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको चाहिए, लाइव डाउट सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, पेरेंट कनेक्ट चाहिए, आपको चाहिए कि टीचर हमारे हेल्प करे, एडुकेटर हमारा हेल्प करे, स्टडी प्लानर बनाने में किस तरीके से पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आएगी। तो सर इसकी प्राइसिंग क्या होगी, क्या होगा इसका पूरा पैकेज, किस तरीके से आएगा? तो देखो प्लस के लिए जनरली हम लोग आपको 36 मंथ्स वाला बोलते हैं कि ये फेवरेबल पैकेज है, क्योंकि अगर आप देखो 3 साल के लिए आप फिट हो गए, बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। 32,000 टोटल फी है, बहुत ज्यादा नहीं है बच्चे, अगर आप कंपेयर करो ना तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या सर एक बार 32,000 दे सकते हैं? आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप 889 पर मंथ, यानी ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप 889 पर मंथ भी पे कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ये कोड यूज करते हो ना, मेरा वाला राज लाइव 10, तो आपको इसमें बच्चा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ईएमआई ऑप्शन से भी पे कर सकते हो, आप 32,000 एक मुश्त यानी एक बार भी पे कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, ये अभी नया सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग प्रिफर करेंगे कि अभी आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके देखो, और मेरा दावा है कि ये सब्सक्रिप्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको 12 मंथ्स के लिए 28,000 पे करने पड़ेंगे, और इसमें भी ईएमआई का ऑप्शन है, यानी कि पर मंथ का ऑप्शन है, 2,333 पर मंथ। और अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये प्राइसिंग हो गई, चाहे आप प्लस लो चाहे आप आइकॉनिक लो। डीजे टाइफून, देयर आर क्वेश्चंस बेटर, इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स द ऑप्शंस, ठीक है। हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे और आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसको आपको चैट बॉक्स में मुझे आंसर करना है, ठीक है। चलिए, सो क्या हम करने वाले हैं आज की क्लास में, बिकॉज मैंने बताया ये एक बड़ा चैप्टर है तो इसको हम दो फेज में करेंगे। तो आज के फेज में जो है, हम देखो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम सेल कवर करेंगे, सेल थ्योरी कवर करेंगे, सेल साइज, सेल शेप और सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 टॉपिक हैं जो हम आज कवर करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बीच बीच में आते जाएंगे, आपको उसको आंसर करना है, उसके ऑप्शंस को चैट बॉक्स में। ऑल राइट प्रणवी, हेलो सैम, हेलो, कैसे हो बच्चे? चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो
एज आई सेड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेल्स क्या है, ठीक है? आप में से कुछ बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया कि सर सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यानी कि जिस तरीके से जो ईंट होती है घर में, उससे एक पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, उसी तरीके से एक सेल, दो सेल, तीन सेल और ऐसे करते करते मिलियन ऑफ सेल्स जब आते हैं तो हम बन जाते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म का अगर मैं बोलूं यूनिट क्या है जिससे वो बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर वो सेल होता है या कोशिका होती है। अब आप समझो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, वो किस तरीके से चलता है, तो जरा देख लेते हैं। स्लाइड आपके सामने है और आपके पास सारी चीजें लिखी हुई है। देखो, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जैसे ही हमने बोल दिया सबसे छोटी इकाई, तो ये सबसे छोटी इकाई है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग सेल बोलते हैं। अब क्या होते हैं, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं और मिलके वो क्या बनाते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। यानी बहुत सारे सेल्स मिल गए और उन्होंने क्या किया, टिश्यू का निर्माण किया, यानी उत्तक बनाया। अब टिश्यूज बहुत सारे मिलते हैं, जब टिश्यूज बहुत सारे मिलते हैं तो देखो ये क्या बना रहे हैं, ये ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चा, ये ऑर्गन्स बना रहे हैं। यानी कि आप समझ लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक ऑर्गन होगा, यानी कि आपके इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, तो उसने ऑर्गन्स बनाए। अब क्या, देखो क्या सर ऑर्गन बनाने से हमारा काम हो जाता, नहीं होता, तो क्या करना था, इन ऑर्गन को फंक्शनल भी तो करवाना था, वर्किंग भी तो करवाना था। तो ऑर्गन को बोला गया कि भाई कुछ ऑर्गन जो है वो एक जैसा काम करते हैं, तो उनको इकट्ठा कर दिया जाए और उनको ऑर्गन सिस्टम बोला जाए। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो एक जैसे काम करते हैं। रमनी, ओके, नामप्रीत, नामप्रीत, देर आर सम क्वेश्चंस बच्चा जो हम पूछेंगे आपसे सेशन के बीच में, जैसे ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स में बताता जाऊंगा नामप्रीत, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, ठीक है? आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। यस प्रणवी, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड प्रणवी। सो यस, ऑर्गेन ने क्या बना दिया, अपने एक जैसे फंक्शन के कारण इसने ऑर्गेन सिस्टम बना दिया, ठीक है, इसने ऑर्गन सिस्टम बना दिया। अब देखो ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था ना, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सब मिलके क्या करते हैं बच्चा, डाइजेशन का काम करते हैं। उसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं और रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है बच्चा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए आपस में और एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट में हमें हेल्प करने लगे। तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली इस ऑर्गन सिस्टम ने क्या किया, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया। यानी जब हम बने तो हम में हर तरीके का फंक्शन हो रहा था, यानी सर्कुलेशन भी हो रहा था, डाइजेशन भी हो रहा था, एक्सक्रीशन भी हो रहा था, हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी रखते हैं, यानी प्रजनन की क्षमता भी रखते हैं, तो हम बन गए एक ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर इसके आधार को देखा जाए, व्हेन वी गो टू द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम क्या बोलेंगे, द बिल्डिंग ब्लॉक इज ऑलवेज द सेल। सो व्हाट इज सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मैटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये वो यूनिट है जहां पे आपके सारे एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज, जितने भी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, वो सारे यहीं पर होते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है सेल और कितना इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन, ये चलो और आगे हम लोग देखते हैं। ओके साईप्रिया, गुड आफ्टरनून, कामाक्षी, गुड आफ्टरनून। यस साईप्रिया, मैंने बोला ना बच्चे कि हम लोग जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे बच्चे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है? इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ द मेंटी, बट देयर विल बी इन द फॉर्म ऑफ द चैट बॉक्स आंसर। चलो सो शुरू करते हैं वो राउंड। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, सेल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बनता है ये मैंने बता दिया आपको। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन।
चलो शुरू हो गया आपका क्वेश्चन। आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ लाइफ। चलो ये तो बात मैंने बता दी, स्ट्रक्चरल भी है क्योंकि इससे हम बने हुए हैं, और ये क्या करता है बच्चे, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन करता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है ये क्योंकि इससे हम बने हुए हैं, और फंक्शनल यूनिट भी है क्योंकि ये सारे फंक्शंस करवाने में हमें हेल्प कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ए बी सी और डी। ओके नामप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके आत्मा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल बच्चा हम लोग दूसरे सेशन में देखेंगे बच्चा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स ना, मैंने शुरू में ही बताया था आज हम क्या देखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं बच्चा, सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये सारी चीज ना हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में हमें साइज शेप इन सब के बारे में बात करना है। ओके प्रणवी, सो आई ओके ओके ऑल राइट सो आई गॉट द आंसर, आई गॉट द आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अभी बताया था सेल से टिश्यू बना, टिश्यू ने ऑर्गेन फॉर्म किया, ऑर्गेन ने ऑर्गेन सिस्टम बनाया, और उसने क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया। सो दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज अ वेरी करेक्ट सीक्वेंस। सो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नाउ बेटा इट विल बी अराउंड 28, आत्मा इट विल बी अराउंड 28th ऑफ नवंबर। ठीक है बच्चे, नामप्रीत देयर विल बी अ क्विज टुमारो बच्चा, हमने 8 के लिए एक परसों का क्विज रखा है। ठीक है चलो, सो अब सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बहुत जगह से आएंगे। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सर ये कैसे आया, इसको किसने डिस्कवर किया, और ये हम तक कैसे पहुंचा, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। तो ये सारी जो आपको इंफॉर्मेशन है वो यहां से मिलेगी। जो ये सेल टर्म है वो एक लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है। देखो बच्चे, लैटिन जो लैंग्वेज है ना, लैटिन जो भाषा है ना, उसका साइंस में बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज फॉर्म है, इसलिए जितनी भी डिस्कवरी लैंग्वेजेस होते हैं ना वो लैटिन के होते हैं। ठीक है, और आगे जाके आपको और बहुत सारे लैटिन फॉर्म्स मिलेंगे। तो सेल का जो लैटिन फॉर्म होता है उसका मतलब होता है सेलुला, और उसका मतलब होता है लिटिल रूम, या आप इसको लिटिल कंपार्टमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। सर किसने ये टर्म दिया, किसने ये टर्म बताया, तो ये जो टर्म था सेल, ये क्वाइन किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्वाइन किया 1665 में। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वन क्वेश्चन जनरली कम हेयर फ्रॉम हेयर, हु क्वाइन द टर्म सेल, किसने ये शब्दावली दी, किसने दी बच्चा, रॉबर्ट हुक ने दी। हेलो छवि, हाउ आर यू। ठीक है, और सेल को हमने क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो कैसे बताया सर, उन्होंने क्या किया था, आखिर कैसे पता चला। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ होता है, ठीक है, यानी कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं कॉर्क प्लांट। ठीक है, ये वही वाला कॉर्क है बच्चा जो जनरली शटल वाले में पीछे यूज होता है ना, तो ये ओरिजिनल कॉर्क है, यानी कि इस तैरते हैं, अगर आप इसको छोड़ दो ना पानी में तो ये तैरेंगे बहुत अच्छे। कॉर्क को क्वेरकस भी कहते हैं बच्चे, क्वेरकस भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्क प्लांट के उन्होंने बार्क लिए, और उन बार्क को ना स्लाइसेस लिए, और उन बार्क को यानी स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिए, और उनको सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा। व्हाट इज मैग्नीफाइंग डिवाइस, जिससे चीजें बड़ी दिखे। व्हाट इज मैग्नीफाइंग डिवाइस, जिससे चीजें बड़ी दिखे। ठीक है, उसके बाद जब वो देख रहे थे तो उन्होंने उसको फिर से क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, पहले किसमें देखा, मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा, उसके बाद उन्होंने किसमें देखा, माइक्रोस्कोप में देखा। ये देखो वो वाला माइक्रोस्कोप जो यूज किया गया था, उन्होंने देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे। उनको क्या दिखा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते देखे हो, मधुमक्खी के छत्ते कैसे होते बच्चा, थोड़े थोड़े से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनके रूम्स बने होते हैं मधुमक्खियों के।
तो इस टाइप का आपको क्या दिखा वहां पर, यानी रॉबर्ट हुक को क्या दिखा वहां पर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी हनी कॉम्ब को जब इन्होंने देखा तो एवरी हनी कॉम्ब इज बींग सेपरेटेड बाई अदर, देखो सारे सेपरेट हैं एक दूसरे से है ना बच्चे, सारे एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। एंड दिस वन बॉक्स इज कॉल्ड एज सेल। रॉबर्ट हुक ने इस एक बॉक्स को क्या बोला, इसको सेल बोला। तो दैट वन बॉक्स इज कॉल्ड एज सेल बाय द हुक। तो क्या क्या क्वेश्चन बन गया, यस प्रणवी, सेलुला इज, यू कैन से बोथ द नेम्स। सेलुला का मतलब या तो आप लिटिल रूम्स बोल सकते हो, सेलुला का मतलब या तो आप लिटिल कंपार्टमेंट बोल सकते हो। सो दिस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दे लुक लाइक द कंपार्टमेंट, दे लुक लाइक द कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिखते थे, ठीक है, यहीं से वो टर्म आया। लेकिन सर याद करने वाली बात क्या है कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, जो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, ठीक है बच्चा, वो डेड सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स नहीं थे। वो क्या थे बच्चे, वो डेड सेल्स थे। तो सबसे पहली बार डेड सेल, इनफैक्ट सबसे पहली बार सेल किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। तो सर सबसे पहली बार किसी ने क्या लिविंग सेल्स देखा, बिल्कुल देखा, किसने देखा लिविंग सेल, लिविंग सेल देखा बच्चे सबसे पहली बार ल्यूवेन हॉयक ने, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉयक ने सबसे पहली बार लिविंग सेल देखा। सर कहां देखा, तो बच्चे इनके टाइम तक काफी अच्छा माइक्रोस्कोप आ चुका था। रॉबर्ट हुक ने 1665 से लेकर 1674 किसका टाइम था, लिवन हॉक का। 1665 किसका टाइम था, रॉबर्ट हुक का। इस टाइम तक माइक्रोस्कोप जो था थोड़ा डेवलप कर गया था। माइक्रोस्कोप जब डेवलप किया तो लिवन हॉक ने पॉन्ड वाटर, यानी कि जो नदी नालों के पानी होते हैं ना, यानी कि तालाब का जो पानी होता है ना, उस पानी को थोड़ा सा स्लाइड पर रख के इन्होंने देखा तो उनको उसमें कुछ लिविंग सेल्स दिखे। तो पहली बार लिविंग सेल्स किसने देखा, तो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चा, दिस इज द स्टोरी ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑल्सो बच्चा। रॉबर्ट हुक की जो कहानी थी ना, उनकी एक बुक में आई थी जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। रॉबर्ट बुक की जो स्टोरी थी वो एक बुक में आई थी, यानी ये उनका ही बुक था माइक्रोग्राफिया, और यहीं से कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का शुरू हो जाता है, समझे छवि बच्चे। ओके चाहत, हाउ आर यू बच्चे, हाउ आर यू। और बच्चा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत इधर इन्वेंट हुआ है, ये बहुत इधर इन्वेंट हुआ है, वो नई डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं किया था किसी ने, ठीक है, इसलिए पहले डेड सेल्स देखे गए, फिर जाके आपको फ्री लिविंग सेल्स देखे गए। सर कहां देखे गए, तो पॉन्ड वाटर में देखा गया। सर किसमें देखा गया, तो बच्चा एक एल्गी था, पॉन्ड वाटर में एल्गी होता है जिसको कहा जाता है स्पाइरोगायरा। क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा है ना स्पाइरोगायरा बच्चे, किसमें पढ़ा है, रिप्रोडक्शन में। कैसा रिप्रोडक्शन होता था इनमें, फ्रैगमेंटेशन होता था ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में, याद करो। यही वो स्पाइरोगायरा है जो एल्गी है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है ना, और इसमें सबसे पहली बार लिविंग सेल देखा गया। यस प्रणवी, अभी जो हम लोग जनरल लैब में यूज करते हैं ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसी को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा होता है, ठीक है, हम लोग जो लैब में यूज करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो लाइट माइक्रोस्कोप भी उसको कहते हैं, ठीक है बच्चे। चलो तो सेल की जो स्टोरी थी आपको समझ में आ गई। अब देखो एक एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता हूं थोड़ा, ठीक है, क्या है ये एक्स्ट्रा, देखो सेल के बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी थी उसको एक थ्योरी के फॉर्म में कंपोज किया गया, यानी सेल स्मॉलेस्ट यूनिट पता चल गया था, फंडामेंटल यूनिट पता चल गया था, फंक्शनल यूनिट पता चल गया था, लेकिन एज अ थ्योरी यानी कि साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये बातें किसने रखी, तो उसी को कहा जाता है सेल थ्योरी। सो हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बातें किसने की, तो सेल थ्योरी की बातें करने वाले ये दो जेंटलमैन थे, शॉन एंड स्लीडन, ठीक है। शॉन और स्लीडन ने क्या किया,
सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल को पढ़ा, स्टडी किया, और तब जाके फाइनली कंक्लूड हो गया कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं ना सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आखिर किसने बताया ये बात? तो इन दोनों ने बताया, यानी शॉन और स्लीडन ने पहली बार बताया कि भाई ये जो सेल है ना, यही वो बेसिक यूनिट है जिससे हम बने हुए हैं, ठीक है। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। इसी थ्योरी को क्या कहते हैं बच्चा? सेल थ्योरी कहते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये थ्योरी बताई, यस बच्चे, यस यस छवि, थियोडर सोन एंड मैथियस स्लीडन, वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने जब ये थ्योरी बताई तो उसके कुछ दिनों के बाद, यानी देखो 1838 39 में इनकी थ्योरी आई जिसको कहा गया सेल थ्योरी, लेकिन उसको थोड़े और अच्छे से किसने बताया? उसको थोड़े और अच्छे से बाद में एक और जेंटलमैन थे, उन्होंने बताया, रुडोल्फ वर्षौ ने बताया कि जो सेल होता है ना वो कहां से आता है? तो पुराने सेल से आता है, यानी एक सेल दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है। वन सेल, मान लो ये एक सेल है, इसी से क्या होगा बच्चा? दूसरा सेल आएगा, इसी से क्या होगा? तीसरा सेल आएगा। यानी सेल एक दूसरे को जन्म देते हैं, तभी तो बच्चे हम लोग ग्रो करते हैं। हम इतने बड़े क्यों हो गए? हम तो छोटे थे जब पैदा हुए थे, तो यानी हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट कैसे हुई? हर सेल ने क्या किया? डिवीजन शुरू किया, यानी एवरी सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल अपने से पहले वाले सेल से आता है। और ये बात किसने बोली? ये बात बोली रुडोल्फ वर्सॉ ने, यानी स्लीडन एंड सोन ने जो पहले बात बोली थी उसको थोड़ा सा और ऐड कर दिया किसने? रुडोल्फ वर्सॉ ने। तब जाके पूरी की पूरी सेल थ्योरी हमारे पास बन के तैयार होके आ गई। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता है हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो आप दो इंसान का नाम लोगे, शॉन एंड स्लीडन, ठीक है? ओके, यस यस छवि, फर्स्ट सेल इज द जाइगोट, वेरी गुड बच्चा। प्रणवी, इट इज नॉट फीजन, फीजन नहीं बच्चा, डिवीजन, फीजन नहीं प्रणवी, इट इज डिवीजन, ठीक है बच्चा? डिवीजन बोल रहा हूं। फीजन का मतलब, अभी यहां पर फीजन भी वही चीज होती है, लेकिन फीजन हम लोग यूज नहीं करते ह्यूमन के लिए, ठीक है? जनरली फीजन यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? अमीबा के लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है बच्चे? ह्यूमन सेल्स या जनरल सेल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है प्रणवी? रुडोल्फ वर्सॉ ने एक टर्म बोला था बच्चे, वो टर्म क्या था? उसने बोला था ओमनी सेलुला ए सेलुले, यानी इसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल होते हैं ना वो अपने पुराने सेल से आते हैं। कैसे आएंगे? डिवाइड होगा तभी तो आएंगे, यानी आफ्टर द डिवीजन ओनली द न्यू सेल विल फॉर्म। अब देखो शॉन स्लीडन, इन दोनों ने प्रपोज किया सेल थ्योरी, उसको और इंफॉर्मेटिव किसने बनाया? उसको और इंफॉर्मेटिव रुडोल्फ वर्षों ने बनाया, और तब जाके फाइनल पूरा पैकेट जो सेल थ्योरी का था वो आपके पास आ गया। क्या क्या था सर सेल थ्योरी, जरा देखते हैं जल्दी से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं बच्चा? सेल से बने हुए हैं, ठीक है? तभी तो हम क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरी बात जो ऐड हुई बाद में वो क्या थी बच्चा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले एग्जिस्ट करता था, जो पहले आया उसने बाद वाले सेल को जन्म दिया। सो ये है दो सेल थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखिएगा। सो आई होप सेल थ्योरी आपको ओके शिक्षा, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली बच्चा। हाय अद्वय, हेलो बच्चा, हाउ आर यू? बताऊंगा छवि, अभी प्रो कैरियोटिक पे नहीं पहुंचे हैं बेटा, अभी प्रो कैरियोटिक पे नहीं पहुंचे हैं। आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द प्रो कैरियोटिक, डोंट वरी, ठीक है? क्लास में बस बने रहो, प्रो कैरियोटिक तक आते हैं जल्दी से। ऑल राइट चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, अभी बताया है आपको, आना चाहिए सारे बच्चों को। द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, वेरी गुड प्रणवी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन।
ओके छवि, वेरी गुड वेरी गुड। चाहत ने भी आंसर कर दिया है, यस छवि वेरी वेल डन। चलो सो यस द सेल थ्योरी वॉज, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके वन मिनट, ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रुडोल्फ वर्सौ में, ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रुडोल्फ वर्सौ में। ओके नहीं अद्वै, इट इज नॉट बच्चा, दिस इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया था बच्चे, रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया था, गलत नहीं करना। चलो मैं आ रहा हूं आपके स्लाइड पर, टेंशन नहीं लेना आप लोग, रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया था बच्चे। यस वेरी गुड, चलो सबके आंसर आ गए, सबके आंसर आ गए मुझे, सबके आंसर मिल गए मुझे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्लीडन एंड सोन, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये आंसर कर देते हैं, लेकिन याद रखना बच्चे इन्होंने क्या बताया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है, यानी पुराने सेल नए सेल से, या नए सेल पुराने सेल से आते हैं। ऑल राइट क्लियर है सबको, चलो सो मूविंग टू, हाय उम्रा हाउ आर यू। यस छवि, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल फाउंड किया था, वेल डन वेरी वेल डन, ठीक है बच्चा, एक बॉटनिस्ट थे एक जूलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा बच्चे चार। ओके गिव मी द आंसर, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड एक्स अंडर द मैग्नीफाइंग डिवाइस आइडेंटिफाई एक्स, सो प्रणवी का आंसर आ गया है। ऑल राइट यस, थोड़ा सा यहां पर देखो कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने क्या बोला, मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर उनको क्या मिला था। यस वेरी गुड, मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर उन्होंने ये देखा था, हनीकॉम्ब नहीं देखा था, जो भी हनीकॉम्ब को टिक करेंगे वो गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज द थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क बार्क, क्योंकि मैग्नीफाइंग डिवाइस से उतना डिटेल नहीं पता चलता है बच्चे, वो छोटा एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे बस चीजें थोड़ी बड़ी होके दिखती है, तो मैग्नीफाइंग डिवाइस से सिर्फ थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क बार्क दिखा था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने यूज किया था। नो 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 रेनू नहीं बच्चा, कंपार्टमेंट इन कॉर्क बार्क नहीं बच्चा, कंपार्टमेंट के लिए यूज किया गया था माइक्रोस्कोप, कंपार्टमेंट को देखने के लिए यूज किया गया था बच्चे माइक्रोस्कोप, ठीक है, थोड़ा सा ये वर्ड का ट्विस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से बताओगे, लिविंग सेल्स इन स्पायरोगायरा वॉज ऑब्जर्व बाय लीवेनहॉक इन द पॉन्ड वॉटर, स्पायरोगायरा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, स्पायरोगायरा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, जल्दी से क्या था स्पायरोगायरा। नहीं छवि, दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वेज, हाय रितिका, ओके रितिका, अब नहीं भूलूंगा बच्चा, अभी बताया था ना, स्पायरोगायरा इज नॉट द एनिमल, इट इज एल्गी, ये एल्गी है बच्चा, ये एल्गी है, ठीक है, एल्गी इज अ काइंड ऑफ प्लांट, एल्गी इज अ काइंड ऑफ प्लांट सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा एल्गी होता है। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, चाहत का सही है, छवि का सही है, ठीक है, बाकी बच्चे सही, सभी लोग एल्गी कर ले, किसने देखा था, लीवेनहॉक ने देखा था। चलो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, देखो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना बच्चे, वो अलग अलग, उनमें सेल के नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें शेप अलग अलग होते हैं सेल के, और उनमें साइज अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन देखते हैं किसका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि जो सेल के नंबर ऑर्गेनिज्म में, अगर वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल का बना हुआ है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, सेल। सो इफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। व्हाट इज मल्टी सेलुलर सर, देन मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेलुलर का मतलब आपको पता है, इट इज सेल।
यस यस चाहत, इट इज अ ग्रीन प्लांट, एल्गी इज अ ग्रीन प्लांट बच्चे। तो क्लियर हो गया। सबसे पहला बेसिस क्या देखा बच्चे हम लोगों ने? सबसे पहला जो बेसिस देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, यानी नंबर ऑफ सेल्स। और नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज मल्टी सेलुलर, अनदर इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनि का मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, और हम जैसे लोग यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स कितने से बने होते हैं? बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे बच्चे? वी आर मल्टी सेलुलर्स। तो सर यूनिसेलुलर का कोई एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल है बच्चा, अमीबा है ना। ये देखो अमीबा दिख रहा है आपको, अमीबा। ये एक एल्गी होता है बच्चा, ये एक एल्गी होता है, इसको कहते हैं क्लाइमेडोमोनास। ये एक एल्गी होता है, इसको कहते हैं क्लाइमेडोमोनास। ये है देखो पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। ठीक है, ये है पैरामीशियम। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये पॉन्ड वाटर में मिलता है बच्चा, ये पॉन्ड वाटर में मिलता है। ये सारे जो होते हैं ना, एक सिंगल सेल है। लेकिन क्या सर ये सारी एक्टिविटी करते हैं? सारी एक्टिविटी करेंगे लेकिन एक ही सेल में करेंगे। यानी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी ये भी करेंगे, लेकिन इनमें एक ही सेल होगा, हम मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस, वेरी गुड छवि, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। आपको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर समझ में आ गया, तो जल्दी से बताइए। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम हेयर। इनसे ऑड वन आउट को बाहर करें, यानी कि जो आपको लगता है कुछ अलग सा है उसको अलग निकाल दें। सो आई एम वेटिंग। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, व्हाट इज द? यस यस अद्वय, ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर बच्चा, ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर। वेरी गुड छवि, वेरी गुड। ओके नित्या, वेरी गुड। अद्वय, इट इज नॉट राइट। चाहत, वेरी गुड। यस अद्वय, नाउ इट इज राइट। सो द करेक्ट आंसर इज फंगस, है ना? करेक्ट आंसर इज फंगस, क्योंकि ये क्या है बच्चा? यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। लेकिन जो फंगस होते हैं ना बच्चा, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर, याद रखिएगा। ठीक है, यस छवि, वी आर यू कैरियोट एंड मल्टी सेलुलर। तो चलो देखते हैं और क्या क्या चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। दूसरा जो बेसिस है सेल्स को अलग से समझने का, वो होता है कि अलग अलग शेप के, यानी कि आकार के। ठीक है, यानी कि जो उनका आकार होता है वो अलग अलग आकार का सेल पाया जाता है। तो सर क्या है अलग अलग आकार? तो देखो ये जो है अमीबा सेल है ना, अमीबा सेल है। ये इरेगुलर है बच्चा, ये कैसा आकार है? इरेगुलर है, यानी कि इसका कोई आकार नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो ये होता है ना बच्चा, इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फुट, है ना, फॉल्स फुट। अब ये क्या करते हैं कि अगर कहीं पे बैठे हुए हैं या कहीं पर रुके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनको खाना दिख गया तो ये क्या करेंगे? अपने इस सुडोपोडिया को अलग अलग तरीके से ये फैलाते हैं, ताकि ये देखो अगर ऐसे अपने आराम से बैठे हुए हैं तो ये ऐसे हैं, अगर इनको यहां पर मान लो ये खाना दिखा तो ये क्या करेंगे? अपने सुडोपोडिया को यहां पर ले आएंगे। यानी ये क्या कर रहे हैं बच्चा? अपना शेप चेंज कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इरेगुलर शेप। ठीक है, इरेगुलर होते हैं। यस यस छबी, दे आर नॉट हैविंग द डेफिनेट शेप, बिकॉज दे लोकोमोट, यानी चलते हैं, और प्रे को दे कैच द प्रे। ठीक है, दूसरा ये देखो बच्चा, ये है WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी जो होते हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, याद रखिएगा। वो भी क्या होते हैं बच्चा? इरेगुलर होते हैं, क्योंकि उनको भी क्या करना होता है? पैथोजेन को खाना होता है, यानी दे किल द पैथोजेंस। यस चाहत, दे आर यूनिसेलुलर बच्चे, दे आर यूनिसेलुलर। ऑल राइट, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेल्स ही तो पढ़ रहे हैं बच्चा, एक एक सेल पढ़ रहे हैं, एक एक सेल पढ़ रहे हैं।
जो WBC होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, वो भी इरेगुलर शेप का होता है, क्योंकि उसको भी क्या करना होता है बच्चे, हमारे बॉडी में जो जर्म्स आते हैं ना, उनको खाना होता है। तो खाने के लिए क्या करेंगे, अपने शेप को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, अपने शेप को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो WBC और अमीबा दोनों इरेगुलर होते हैं। ऑल राइट, ये बच्चा आपका RBC है, रेड ब्लड सेल्स, ये स्फेरिकल और डिस्क शेप होता है। ठीक है बच्चा, डिस्क शेप होता है ना, डिस्क देखे हो ना, डिस्क शेप सा होता है, इसको बाइकॉनकेव भी कहते हैं बच्चा, इसको बाइकॉनकेव शेप भी कहते हैं, है ना। तो इसमें शेप है। ये देखो आपका न्यूरॉन जो है वो एलोंगेटेड है, न्यूरॉन कैसा है, लंबा खिंचा हुआ। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड है, नर्व सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। ऑल राइट, ये देखिए, ये जो सेल है ये बेसिकली इंटेस्टाइन का सेल होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन में ये सेल्स होता है, ताकि देखो ये सीलिया दिख रहे हैं आपको, विलाई देख रहे हैं आपको, इससे क्या करते हैं बच्चा, ये खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कॉलम जैसा दिख रहा है ना आपको, कॉलम जैसा, तो ये कॉलमनर सेल कहलाते हैं। ओके ओके बच्चा, ठीक है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यस वेरी गुड छवि, WBC आर द सोल्जर सेल्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ठीक है। और ये जो सेल्स है ना बच्चे, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये आपके क्या है, ये भी एलोंगेटेड फॉर्म में है। मसल सेल्स जो होते हैं ना, हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं ना, वो एलोंगेटेड होते हैं, तो मसल सेल्स। तो कहने का ये मतलब है, आप समझिए जरा, कि हमारे बॉडी में हो या जितने भी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनका शेप अलग-अलग होता है। तो आपको थोड़े बहुत सेल जो है ना वो याद रखने हैं। तो कौन जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने यहां पर आपको दे दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। यस छवि, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, इंटेस्टाइन में विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। नाउ सर, क्या साइज भी अलग अलग होता है सेल का? बिल्कुल होता है बच्चे, किसी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और किसी को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना, किसी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और किसी को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। यानी माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, यानी सेल का साइज क्या होना चाहिए, माइक्रोमीटर में होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10^-6 माइक्रोमीटर, ये रिलेशन होता है। यानी ये 1/10^6 टाइम्स नीचे है या कम है, किससे, 1 मीटर से, उसी को कहते हैं क्या, माइक्रोमीटर। या तो इसको बच्चा एक दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग माइक्रोन भी बोल देते हैं, है ना। तो या तो आप माइक्रोमीटर बोलो या माइक्रोन बोलो, दोनों एक टर्म है, और दोनों का रिलेशन मीटर से क्या है, दिस इज 1/10^6 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, यानी 10^6 टाइम्स काटोगे ना 1 मीटर को, तब जाके मिलेगा 1 माइक्रोन। यस, तो आपको दोनों टाइप के सेल्स मिलते हैं। देखो दिस इज द लार्जेस्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट वन, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट वन, ये अकेला सेल है लेकिन बहुत बड़ा है, आप आंखों से देख सकते हो। इनफैक्ट कोई भी एग जो होता है, इसका हेन का या बर्ड्स का, उसको आप क्या कर सकते हो बेचा, आंखों से देख सकते हो। लेकिन क्या सर, ह्यूमन एग देख सकते हैं आंखों से? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, ह्यूमन एग को आप आई से नहीं देख सकते हो, आंखों से नहीं देख सकते हो, है ना। लेकिन इस टाइप के शेल वाले एग को आप क्या कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो। तो हर टाइप के सेल्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो होता है बच्चा माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो यही है माइकोप्लाज्मा, दिस इज माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट, द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट। और इसी को क्या कहा जाता है बच्चा, PPLO, है ना, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल ब्रिंग द क्विज सेशन मेंटी सेशन ऑफ द होल थिंग। ठीक है बच्चे, इस पूरे का मैं मेंटी सेशन लेके आऊंगा, लेकिन वो पूरा एक सेशन होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं मेंटी सेशन लेके आऊंगा, इसका टेंशन नहीं लेने का। अब देखो बच्चे, इसको याद रखना, इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, जिस कारण से ये किसी भी शेप में आ जाते हैं, है ना, किसी भी शेप में आ जाते हैं। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को एक और नाम बोला जाता है बच्चा, जोकर। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से बोला जाता है जोकर। क्यों कहा जाता है जोकर? बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल, और सेल वॉल के लैक होने के कारण ये कोई भी शेप में आ जाते हैं। तो इट इज जोकर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का किंगडम का, इनफैक्ट जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है इनको, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होते। और प्लांट किंगडम में क्या होता है बच्चा, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होता, तो ये किसी भी आकार में आ जाता है। तो इसलिए जोकर क्या करते हैं बच्चे, किसी भी तरीके का रूप बना लेते हैं ना, तो ये भी जोकर ही है। तो इट इज कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द सेल्स, ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सेल्स, है ना। ऑल राइट, सो कितना सर, ये कितना लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच? तो ये अराउंड 170 मिलीमीटर से 130। ठीक है, बच्चे ने सही लिखा है, यानी कि 17 to 18 ये हाइट में ये बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, सो साइज ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन टू यू पीपल, देखते हैं कौन सही करता है। द लार्जेस्ट सेल इज, यस छवि, सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंगस। मैं जो नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा ना बच्चे, उसमें बताऊंगा, सिर्फ प्लांट में नहीं फंगस में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चे, ऑल राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर, आई गॉट द आंसर फ्रॉम छवि, डी इज द करेक्ट आंसर, यस यस चाहत, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन, इजी वन। द लार्जेस्ट सेल इज, लार्जेस्ट सेल इज, यस यस, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट सेल इज, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, ए बी सी एंड डी, विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन? ओके, छवि का आंसर आ चुका है मेरे पास, आई होप और भी बच्चे आंसर करें। अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड चाहत, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चा पीपीएलओ, है ना, इसको क्या कहा जाता है बच्चा, पीपीएलओ, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। सर इसको क्यों कहा जाता है न्यूमोनिया लाइक? क्योंकि इससे ना बच्चा ए टिपिक टाइप का न्यूमोनिया फॉर्म होता है ह्यूमन में। ये क्या करता है, ए टिपिक टाइप ऑफ न्यूमोनिया ह्यूमन में करता है ना, इसीलिए इसको न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स के नाम से जाना भी जाता है। यस छवि, तुरंत बताता हूं बच्चा, तुरंत बताता हूं आपके आंसर का क्वेश्चन, यस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल इज, द लॉन्गेस्ट सेल, द लॉन्गेस्ट सेल इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट? आई वॉन्ट द आंसर, माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन, अमीबा, ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट। बच्चा बहुत बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं लार्जेस्ट से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, लार्जेस्ट नहीं है ये लॉन्गेस्ट है। सो लॉन्गेस्ट कौन होगा, न्यूरॉन होगा, है ना बच्चे, लॉन्गेस्ट कौन होगा, न्यूरॉन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूरॉन होगा, ये न्यूरॉन सेल्स होंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो होंगे वो न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो लॉन्गेस्ट हमारी बॉडी का भी क्या हो जाएगा बच्चा, ह्यूमन की बॉडी का भी लॉन्गेस्ट कौन होगा, ह्यूमन की बॉडी का भी लॉन्गेस्ट जो होगा वो न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन होगा।
ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट होगा बच्चे, लार्जेस्ट होगा वो ओवा होता है, ठीक है, एग। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट पाया जाता है वो एग होता है, ओके। और जो स्मॉलेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है आपको मैं बता देता हूं। अगर पर वॉल्यूम पूछा जाए वॉल्यूम के हिसाब से, तो स्पर्म सेल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए तो स्पर्म सेल स्मॉलेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हमारे ब्रेन में एक सेल पाया जाता है। अभी मैं उस सेल का नाम नहीं बताना चाहता, वो थोड़ा सा हार्ड टर्म है आपके लिए। तो ब्रेन में एक सेल पाया जाता है, यानी ब्रेन में सेल पाया जाता है सेरेब्रम में, ठीक है, सेरेब्रम में, ब्रेन के सेरेब्रम में है ना एक सेल पाया जाता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन जनरली आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे स्पर्म को वो स्मॉलेस्ट लिखा हुआ दिखाएंगे, तो गलत नहीं होता है। वो स्मॉलेस्ट होता है किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से, यानी टोटल वॉल्यूम अगर आप सोचो ना, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो एग इज द लार्जेस्ट, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट, लेकिन अगर ओवरऑल स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो ब्रेन के सेरेब्रम में एक सेल होता है, उसको हम लोग स्मॉलेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, चलो। आज का ये लास्ट पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, और इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो बच्चा, ये जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक, ये जो टर्म है कैरियोटिक, कैरियोटिक एक टर्म से आया है जिसको कहते हैं कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, यानी बहुत डेवलप नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी में न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया में जनरली आपको क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया में आपको क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेरी वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं। कंपैरेटिवली आप देखो, ये है एडवांस न्यूक्लियस, ये क्या है बच्चा, यू। यू का मतलब क्या हो गया बच्चा, एडवांस, ये वाला यू। यू का मतलब क्या हो गया, एडवांस, एडवांस्ड। और कैरियोटिक वर्ड किससे आया, कैरियन से। तो क्या हो गया, एडवांस न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस में देखो आप, इसमें मेम्ब्रेन है प्रेजेंट, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस घिरा हुआ है मेम्ब्रेन से, बाहर से इस पे मेम्ब्रेन लगा हुआ है, लेकिन इसका न्यूक्लियस देखो ऐसा बेचारा खुला घूम रहा है, इसका मटेरियल है ना। सो ये क्या होता है, ये एडवांस नहीं होता है। और इसका वाला क्या होता है बच्चे, एडवांस न्यूक्लियस होता है। ये सबसे बड़ा फर्क है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फंगस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होंगे बच्चा, यूकैरियोटिक के। लेकिन बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि उसका न्यूक्लियस एडवांस नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता। सर उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, तो बच्चा वेल डेवलप नहीं होने के कारण उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड किसके लिए यूज किया जाता है बच्चा, किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस के लिए। ऑल राइट, वेरी गुड। और इसी न्यूक्लियोइड में क्या प्रेजेंट होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप और अच्छे से समझ पाओगे जब मैं आपको सेकंड सेशन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जब मैं पूरा बता दूंगा ना सेल का, तब आप जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझो कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जिससे पेरेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक अपने आने वाले चाइल्ड में ट्रांसफर करते हैं, उसी को बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल यहां पे प्रेजेंट होगा, है ना, यहां पर प्रेजेंट होगा। और यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल कहां प्रेजेंट होगा, अच्छे खासे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। यस, इसको डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो अगले सेशन में मैं तो लेके आऊंगा ही, ठीक है।
याद रखना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक जो होते हैं जनरली प्लांट एनिमल सेल्स, ये सारे यूकैरियोटिक कहलाते हैं। सर कैसे इनका डिवीजन हुआ है? तो कैरियन शब्द से। कैरियन शब्द का क्या मतलब है? तो होता है तो न्यूक्लियस होता है। बाकी कुछ और भी चीजें हैं यहां पर। इस स्लाइड को मैं दोबारा वहां पर दोहराऊंगा जब मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि न्यूक्लियस के बेसिस पर हम इन दोनों का डिवीजन करते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं बच्चा? बहुत छोटे होते हैं ना, और जनरल यूकैरियोटिक सेल्स उनसे बड़े होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, वेरी गुड। यस यस छवि, प्रोकैरियोटिक में डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बच्चे, और जिस जगह पे प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या तो इनको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा, या तो न्यूक्लियोइड कहोगे या इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहोगे। चलो सो जल्दी से बताइए, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर डैश इज और आर लोकेटेड। न्यूक्लियोइड है क्या? कौन सा रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है? व्हाट इज न्यूक्लियोइड? क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में? आई नीड द आंसर, जल्दी से। यस यस चाहत, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड छवि, वेरी गुड। जेनेटिक मटेरियल, अभी बोला था हम लोगों ने कि सर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, लवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी के लिए आपके लिए टफ होगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब आप करोगे ये क्वेश्चन तो आपके लिए इजी होगा ये क्वेश्चन। इनकरेक्ट क्या है? लेकिन ये बहुत इजी पार्ट है। अभी बताया था बच्चा, इसमें सेल डेवलप नहीं होता है, बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है, तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते, उनके ऊपर एनवेलॉप प्रेजेंट नहीं होता। इसी एनवेलॉप यानी कवर को तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन इन पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया में पाया ही जाता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड में लोकेटेड होते ही हैं, और उसको क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये तीनों सही हैं, दिस इज सही, दिस इज सही, दिस इज सही, बट ये जो क्या है ये गलत है। यस सी इज द इनकरेक्ट वन। सो व्हाट वी हैड सीन टुडे विद द सेल चैप्टर, इन द सेल चैप्टर हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हम लोगों ने सेल थ्योरी समझा, सेल समझा, सेल साइज, सेल शेप, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से सेल है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस समझा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है बच्चे, जो बच्चे प्लस पर नहीं है उनको प्लस पर आना है, क्योंकि आपको ऐसी खूब सारी लाइव सेशंस मिलेगी जहां पे आपको क्विजेस, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज जैसी सारी चीजें अवेलेबल होगी, ठीक है। और साथ में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, और आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीजें, तो आप इस अनअकैडमी के चैनल को बच्चा सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अपना लाइक छोड़ के जाएं, और नोटिफिकेशन अगर पाना है तो क्या करना है बच्चा, हिट द बेल आइकॉन, अपने बेल आइकॉन को जरूर हिट करें, ताकि जो भी क्लासेस होंगी ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि भाई अनअकैडमी ये क्लास लेके आ रहा है, ये चैप्टर लेके आ रहा है। ऑल राइट, करना क्या है बच्चा, अनअकैडमी के ऐप पर आपको लर्निंग ऐप अनअकैडमी का डाउनलोड करना है। ऑल राइट, और क्या करना है आपको, उसमें गूगल प्ले अगर आपके पास है तो उससे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, अगर आपके पास ऐप स्टोर है तो आप उससे डाउनलोड करोगे। अपने गोल में जाओगे, अगर आप 8th क्लास में हो तो आपका गोल क्या होगा, CBSE 8, और आपका ये सब्सक्रिप्शन का पैटर्न चालू हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड है RAJLIVE10, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आई होप चाहत
एक दो दिन में है बच्चे, 8 की क्लास कल या परसों है बच्चे स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्लास कल या परसों है। ओके छवि, स्पेशल क्लास में होते रहते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको मैं दो चैप्टर में करके लाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है छवि, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को मैं दो में लेके आऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं, हम लोग आएंगे बेटा, बहुत सारे और भी चैप्टर्स लेके आएंगे, तो ये आप बेल आइकन में रहना, आप देखते रहना, चीजें आती रहेगी, ठीक है, तो फिर मिले अगले सेशन में। चाहत बता दिया बच्चे आपको स्पेशल क्लास का मैंने, ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, चलो ऑल राइट।